बड़ी खुशी है, इसलिए कि पाकिस्तान जापान अदबी फोरम आज तस्वीर दिया गया है, और इसलिए यानी अदबी फोरम बनाए गए हैं जापानी जबान में लिखी गई किताबें, इंग्लिश में बहुत सी किताबें तर्जुमा हो चुकी हैं, मगर उर्दू में बहुत कम किताबें तर्जुमा हुई है। और हम समझते हैं यानी इंग्लिश के जरिए पढ़ने से उर्दू के जरिए अपनी जबान के जरिए पढ़ना आसानी से आप लोग ये समझ सकते होंगे, और हमारा जज्बा है यानी आप लोग तक आसानी से पहुंचता भी होगा। और इसलिए इस फोरम का तश्कील है एक किस्म का क्या कहें यानी वक्त का तकाजा भी है, और जापान और पाकिस्तान बेशक बहुत दूर जगह पर वाके हैं, मगर जदीद दौर में यानी फासला तो इतना अहम मामला नहीं, अगरचे दूर में रहते हुए भी हों आजकल आसानी से रब्ता कायम कर सकते हैं, और ये किताबें पढ़ना चाहते हों और ये उर्दू में तर्जुमा हो चुकी हों तो आसानी से समझ सकते हैं। इस लिहाज से हमने यानी फैसला किया ये फोरम तश्कील किया है, और उसके लिए यानी फोरम सोहेल साहब ने बहुत खिदमत की है। उन्होंने इस साल के अप्रैल में जापान का दौरा किया, और जापान में तीन यूनिवर्सिटियों में उर्दू जबान पढ़ाई जाती है, एक ये टोक्यो यूनिवर्सिटी और फॉरेन स्टडीज, दूसरी ओसाका यूनिवर्सिटी, और तीसरी है यानी नाइटो बुका यूनिवर्सिटी है। उन्होंने यानी तीनों यूनिवर्सिटियों के साथ रबता कायम किया और उधर प्रोफेसर से यानी तबादला हायर किया, सिर्फ प्रोफेसर नहीं उधर के तालिब इल्मों के साथ भी तबादला हायर किया, और इस नतीजे तक पहुंचा है यानी इस तरह के अदबी फोरम तश्कील दिया जाए। इसलिए ये फोरम सिर्फ एक तरफा नहीं, जापान की तरफ से, सिर्फ जापान की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी है, यानी बताए और पाकिस्तान में वापस आने के बाद यानी फोरम सोहेल साहब ने पाकिस्तानी लोगों के साथ जो जापान के सिलसिले में दिलचस्पी लेते हों उन लोगों के साथ रबता कायम किया और दावत दी इस फोरम में यानी शामिल हो जाए। और अब ये जो ये फोरम है तश्कील दिया गया है, और मैं चाहता हूँ इस फोरम के जरिए और जापानी किताब है अदब है इसको उसका तारुफ कराता जाऊँ, ये मैं तवक्को करता हूँ। और सिर्फ ये नहीं यानी पाकिस्तान की तरह से भी होना चाहिए, पाकिस्तान की जो अदब है और शायरी है ये भी या तो जापानी जबान में यानी तर्जमा करके जापान के अवाम के सामने पेश किया जाए। दरअसल ये काम है ये हमारी निवासियों में बहुत होता है, और आपके जो मशहूर शायर हैं या अदीब हैं उन लोगों की किताबें हैं ऑलरेडी जापानी जबान में तर्जमा हो चुकी है, उससे हमारे लोग हैं इस्तेफादा करते हैं। और आज मैं आप लोगों से तारुफ कराता हूँ एक किताब है, उसका नाम है जदीद जापानी अफसाना है। ये तकरीबा 20 साल पहले या शायद 20 साल से भी पहले तर्जमा किया गया था। ये दरअसल लाहौर में एक एनजीओ था या एनजीओ है शायद अब क्यों, उसका नाम है मशल, उसी में तर्जमा किया गया था। और ये मशल एनजीओ ने 19 जापानी किताबें टोयोटा फाउंडेशन की मदद से तर्जमा की थी, और आप भी मौजूद हैं, अगर आप लोगों को दिलचस्पी हो तो हमारे लाइब्रेरी में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारे लाइब्रेरी है, मेंबर बन जाए तो किताबें लेके जा सकते हैं, और उसके बाद वापस तो करना है।
उसी में जापान के मालूम आज अधिकों अधिकों की अधिकों के नंबर्स शामिल हैं मसला खावता यसना और ओए के मसलों निश्मा युकियो ये खावत साहब हैं और ओए साहब हैं नोबेल इनाम याफ्ता अधिक हैं और निश्मा साहब हैं उनका नाम भी नोबेल इनाम के जो उम्मीदवार उम्मीदवार वार की तौर पे नाम आया था मगर वो जवानी में प्रकाश कर दी जिसकी वजह से या ना वो नाम मिल सके इस तरह यानी हम इस किताब में बहुत से नोबेल्स हैं जो मेरी नज़र में यानी पाकिस्तानियों के लिए कैरी भी काबिले दीद हैं काबिले काबिले जिक्र हैं काबिले दीद हैं और मैं चाहता हूँ इस फोरम के जरिए सिर्फ ये नहीं ये किताब नहीं दूसरी तीसरी किताबें हैं ये आप उनके आप उनके सामने पेश करेंगे और आइंदा उर्दू में यानी हम तर्जमा कराते रहेंगे और आप उनसे तारुफ कराते रहेंगे इंशाअल्लाह तो आखिर में मैं चाहता हूँ कि आइंदा का कुछ प्रोग्राम है ये भी आपके साथ शेयर करूँ एक तो ये है पुराने जमाने में दूसरे जंग अजीम से पहले जापान या जापान के सिलसिले में उर्दू जबान में एक किताब छपी थी साकी का जापान नंबर उसको दोबारा आप लोगों के सामने ये पेश करेंगे और दूसरा है यानी मतलब हमारी पुरानी नोवेल है यानी हो सकता है ये दुनिया में सबसे पुरानी नोवेल हो शायद आपको नाम भी ना होगा उसका नाम है तेरो गेंजी वो उसकी तर्जमानी हो रही है तो ये इंशाल्लाह अगले साल किसी वक्त आपके आपकी मद में पेश करूँगा आइंदा भी इस तरह का काम करते रहेंगे और हम तरक्को करते हैं यानी आप लोगों की तरह से भी यानी पाकिस्तानी अदब है उसको जापानी जबान में यानी हमारे सामने पेश करें और आइंदा इस तरह का काम करते जाएं इंशाल्लाह और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तो जी तो आपने सुना कि क्या कुछ होने वाला है।